अरे रुक जाओ रुक जाओ, तुम भी नाचो 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 भाग्यवान नाचो, तुम भी नाचो। अरे रुक जाओ रुक जाओ। अरे पापा बस करो, पगड़ी पहनो अपनी। पगड़ी पगड़ी कहाँ गई? एक मिनट, जोश में आ गया ना तुम्हारा पिता। हाँ ठीक है, कसम भी तो करवानी है, इतना उछल कूद मत करो। कसम कौन है तुम्हारा कसम? अरे कसम नहीं कह रही, रसम कह रही हूँ। रसम रसम नहीं करवानी है क्या? ओ रसम, मुकान के पीछे बाल आ गए थे ना, काना के पीछे बाल रखे थे, तभी कहते हो कटवा लो इनको। कटवा लूंगा ना, कौन सी रसम वैसे? अरे वही रसम जब दुल्हन आती है तो लोटे पे पैर मार के आगे नहीं जाती। अरे वो पापा वो लात नहीं मारते, लोटे जिसमें रखते हैं वो चावल। मेरे साथ तो नहीं हुई ऐसी रसम। तो तुम्हारे साथ क्यों होगी? दुल्हन के साथ होती है, मेरे साथ हुई होगी। हुई थी तुम्हारे साथ? हाँ हुई थी। मैं कहाँ था लेकिन? तुम तो नाचने में लगे हुए थे। अरे लेकिन मम्मी पापा तो वहीं पर थे ना, जैसे हम खड़े हैं वैसे साथ में होने चाहिए जब आपने लात मारी। ये तेरे पापा है ना, नाचने में ही लगे हुए थे पी के। देखा देखा, मैं ना कहता था दूसरा यार बना रही है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बहू के सामने सब कुछ बोल दो। वो क्या है ना कि मैं अपने पापा का ना इकलौता डिमांड बेटा हूँ, इसलिए डायमंड। हाँ वही डायमंड, तो डायमंड बेटा हूँ ना मैं, इसलिए थोड़ा पापा फनी मूवमेंट कर देते हैं, क्योंकि मजाकिया है ना मेरे पापा बचपन से, है ना पापा? हाँ ठीक है ठीक है, मैं लेकर आई बेटा जाओ। अच्छा फील करो, कोई बात नहीं, मजाकिया फैमिली, अच्छा खुश रहोगी तुम, ऐसा कुछ नहीं है। ले आई मैं, ले बेटा अब इसको है ना पैर मार के भगा दे। पापा मम्मी काम करो, आप ना पीछे हो जाओ, क्या पता मार दे लात, फुटबॉल प्लेयर है ना। हट जाओ पीछे हो जाओ पीछे। बहू अच्छे से पैर मारियो लोटे पे। हाँ बहू बहुत अच्छे से मारियो, इसके सिर पे मारियो कि आदमरी हो जाए ये। बेटा मार तू। हाँ मारो बहू। देखो पता है क्या करना है, ये जो लोटा रखा ना इसमें जो चावल है तुम्हें बस हल्का सा ऐसे चावल गिराने, लोटे को ऐसे पलटना है, ज्यादा तेज नहीं मारना है। हाँ हाँ लात मारनी मैं एक्सपर्ट हूँ, फुटबॉल प्लेयर जो हूँ। हाँ ठीक है आराम से करना। ठीक है चलो मारो। की माँ का रोनाल्डो मारू, मुझे तो पता ही था कि मेरी बहू कलेश है, मैं ना कहता था तुम्हें ऐसी बहू मत ले जाओ, लेकिन तुम मानती कहाँ मेरी बात? फोड़ दिया मेरे पति का सर। खून आ रहे, ये देखियो। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहू है तो क्या छाती पे चढ़ के मारेगी है? अरे कोई बात नहीं ना, माफ कर दो। मैं नहीं माफ करने वाला बिल्कुल भी, आज इसने मेरे यहाँ पे बॉल मारी है, मेरा मतलब लोटा मारा, कल मेरे यहाँ पे मारेगी यहाँ पे। अरे नहीं मारेगी, तुम शांत रहो, अभी नहीं नहीं आई है वो। तुम्हें बड़ा पता है, तू भी तो मुझे मारी रही है। तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ बता लियो। जान के नहीं करा, गलती से। तुमने तो मेसी मेसी कर दिया मेरे पापा का पूरा, कोई बात नहीं पापा, चलता है इतना फर्क था। तूने तो मेरी इज्जत डुबा दी और इसने मेरा सिर डुबा दिया। अरे पापा वो दूंगा। चारे कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, वो हमारी सीक्रेट बात है। सीक्रेट? हाँ बाद में बताऊंगी तुम्हें तो। ठीक है क्या बताओगी वैसे? कुछ उधार रह रहेगा तुम्हारा मेरे पे? सारा उधार निकालूंगी आज। ठीक है ठीक है, स्वागत करो, आ जाओ बहू, आ जाओ बेटे, इधर से जाना। सारे अमरतियां ने लुच्चे ना आए उदो सारे अमरती। वो बेटा शुगर वाला पूछ दो, शुगर वाला। थोड़ी थोड़ी स्माइल स्माइल, थोड़ी और थोड़ी और, अरे और थोड़ी और थोड़ी। बस एक मिनट एक मिनट, अब एक काम करो थोड़ा नाक में उंगली दो, नाक में। सॉरी सॉरी सॉरी, अपने दो अपने, और दुल्हन को भी बोलो अपनी नाक में उंगली दे, अच्छी फोटो आएगी अच्छी। वो टाइटैनिक वाला पोज़ दो जिसमें मर जाते ना, मर जाता है वो। ये दूल्हा पीछे और दुल्हन आगे। अरे दुल्हन पीछे दूल्हा आगे, ये स्माइल। अरे ये थोड़ी थोड़ी सी और,
दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ बेटा किसका है, देख रहे हो कैसे कैसे पोज दे रहे हैं। काश हाँ। हमारी शादी में भी ऐसा कैमरामैन आया होता। हाँ। अरे वाह, अरे ऐसे भी फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हमने भी तो खिंचवाई थी। कब खिंचवाई थी? हमारी शादी में आया था कैमरामैन। इतनी जल्दी भूल गए? उसने तो ऐसे खिंचवाई थी ऐसे। सही कहते, तुम बूढ़े हो गए हो, दिमाग सटिया गया है तुम्हारा। क्या करूं, उम्र के साथ दिमाग भी सटिया ही जाता है ना। अब ये किस वाला पोज, किस वाला पोज? पारिवारिक वीडियो है? नहीं नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। अब वो मुंह से भांस वाला पोज। हाँ बढ़िया फोटो आई है, बढ़िया। आजकल की जनरेशन ना ऐसी है, इसीलिए ऐसी फोटो खिंचवाती है, क्योंकि बेड के पीछे लगानी होती है ना इन्हें फोटो। अब एक काम करो, अपने कान पकड़ो, कान। कट। अरे बस हमारी फोटो खींचो, क्या हमारे मम्मी पापा भी हैं, उनकी खींचो है ना। अरे हाँ, मम्मी पापा को भी भेजो भेजो भेजो। क्या हमारी बारी? चलो 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 बेटा, तुम आ चलिए। अरे आओ अभी आओ अभी आओ। ठीक है बेटा जी, थोड़ा सा राइट में हो जाओ। अरे थोड़ा सा और हो जाओ। हाँ बस थोड़ा सा और हो जाओ। हाँ बस ये थोड़ी सी स्माइल करो, थोड़ी सी और, आपने थोड़ा सा पेट बाहर निकालो। ठीक है बेटे। कितने प्यारे लग रहे हैं ना मम्मी पापा। अपने टाइम पर ये भी ऐसी फोटो खिंचवाते होंगे जैसे हमने खिंचवाई है। कैमरा मैन बस थोड़ा लो बजट का है। हाँ तुम्हारा बजट इतना नहीं, क्या करें। शुक्र मनाओ दहेज नहीं लिया। दहेज दहेज दहेज, लालची कहीं का। अरे बहुत बढ़िया फोटो आई अंकल जी आपकी। अच्छी फोटो आई होगी हमारी। एक वो वाली फोटो खींच दो, 500 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। नहीं खिंचवानी, देख लो अंकल। चल रहे हो नहीं चल रहे हो? एक फोटो। ठीक है सिर्फ एक फोटो। हाँ खींच दो चलो, एक खींच देता हूँ। हाथ रखो कंधे पे थोड़ा सा। पूरे 90s के कपड़े लगा रहे अंकल। एक फैमिली फोटो हो जाए वो बेटे के साथ। हाँ फैमिली फोटो। बेटा इधर आ, बेटी तुम भी इधर आ जाओ। आ जाओ चलो। बहुत शर्म आ रही होगी ना, तुम अपने साइड खड़े करो। सासरी फोटो अच्छी आई तुम्हारी। हाँ बिल्कुल बेटा, हमारे साथ में हो जाए। हाँ आप इधर आओ, आप भी थोड़ा और थोड़ा उधर। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और हाँ ये अच्छी फोटो है कैमरामैन। एक मिनट सही है। स्माइल थोड़ी और, स्माइल थोड़ी सी और, स्माइल ये। हाँ हाँ ये भरपूर आई है। हाँ हाँ बस ये फोटो अच्छी आई है, फैमिली फोटो है। तो फिर ठीक है आप जाओ, यहाँ से पेमेंट कर देंगे हम आपको। चलिए जाइए। हाँ ठीक है, आराम से बोले ना फिर। स्वागत भी तो बनानी है। बेटा तो अभी से भूखा हो रहा है। इंतजार नहीं हो रहा ना इसे भी मेरी तरह ही। वेट क्या कर रहे हो? जाओ। अरे जा रहा हूँ चलो जाओ, हम भी इसी मौके पे स्वागत मना ले। चलो तुम्हारी स्वागत तो मैं मनाती हूँ। बात बता, जब दहेज में 1,00,000 रुपए की बात हुई थी तो तू 50,000 रुपए क्यों लेके आई है पहले ये बता। ये पूरे 50,000 रुपए क्यों लाई है? हैं 1,00,000 लेके आती ना, दहेज में तो 1,00,000 की बात हुई थी। हैं पागल हो गए हो तुम, क्या बोल रहे हो?
बात यही कर रहा हूँ कि दहेज में जब 1,00,000 रुपए की बात हुई थी तो तू 50,000 क्यों लाई है? हैं? नहीं चाहिए ये 50,000 भी? लाओ मुझे दे दो। मेरे को पक्का पता है तूने अपने फूफा को पिलाई होगी दारू 50,000 की। फालतू ना बकवास मत करो तुम। आइए आइए। अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो दोनों के दोनों, वो भी अपने सुहागरात वाले दिन। अरे माँ देखना इसको, जब दहेज में 1,00,000 रुपए की बात हुई थी तो ये 50,000 क्यों लेके आई है? हैरी क्यों लेकर आई है 50,000, हमने 1,00,000 की बात करी थी तो। मम्मी जी मैं 1,00,000 ही लाई थी। अच्छा 50,000 में क्या आग लग गई? अभी निकालो इसको घर से, जब तक 1,00,000 नहीं लाएगी इस घर में कदम मत रखियो, चल निकल। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है तू। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। हाँ आइए आइए। तुम यहाँ कब आए? पहले मैं आई तो आई। अच्छा बेटे तुमने 50,000 रुपए देखे मेरे सोफे पे रखे थे? ये वाले 50,000 पापा जी? बहू ने देखे, लाओ दो। ये तो पहले ही सट्टा है इस बहू पे, इसने तो मेरे 50,000 रुपए उठा लिए सोफे पे से, फिर थोड़े दिनों में तिजोरियों की चाबी भी गायब कर देगी है। लेकिन ये 50,000 तो इसके दहेज के लेकर आए थे ना। अरे कौन सा दहेज, मैंने कोई दहेज वहेज नहीं लिया। दहेज लेना बिल्कुल गलत है, क्यों बेटे? हाँ पापा जी को समझाओ ना इन्हें भी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू, बहू बहुत अच्छी है तू। अकल औरत कहीं की, तेरे को शर्म नहीं आती दहेज लेते हुए? तेरे बाप ने भी मुझे कोई दहेज नहीं दिया था और ना मैंने दहेज लिया था। झूठ क्यों बोल रहे हो, लिया नहीं था तुमने दहेज? मैंने कोई दहेज वहेज नहीं लिया था, वो तो जबरदस्ती तुम्हारे पापा ही चेप रहे थे, फॉर्चुनर ये लो फॉर्चुनर ले जाओ, फॉर्चुनर चलानी नहीं आती मुझे, वो खड़ी है नीचे। मिली तो थी ना कम से कम। दहेज थोड़ी लिया था? लिया तो था, इससे क्यों नहीं लिया फिर? दहेज लेना बिल्कुल गलत है, क्यों रही बेटी? हाँ पापा जी को समझाओ ना इन्हें भी। अबे ओए नालायक, तू चाहता है 25 साल का तेरा ये जवान बाप जेल में जिंदगी काटे? 25 उम्र? अबे मेरा मतलब 55 की उम्र। और तू तू क्या सुन रही है अबे इनकी बातें, स्वागत मनाने दे चले। हाँ तो तुम ही आ क्या करने आए थे, तुम भी तो चलो चलो। चल रहा हूँ ना। सॉरी हाँ इधर को। दोबारा से करते हैं। क्या बकवास कर रहे थे तुम, दहेज चाहिए तुम्हें? हाँ अभी के अभी जेल में भिजवा दूंगी तुम्हें, पता चल जाएगा जब। अरे हाँ ये जो 1,00,000 लाई हूँ ना मैं, वो अपनी तरफ से लाई हूँ अपनी कमाई की, कि हम दोनों हनीमून पे चलेंगे कोई अच्छी जगह पे, पर तुम ना। मारो मैं ठीक है ना, तुम एक लेडी हो, मैं हाथ नहीं उठा सकता। अच्छा तो इसका फायदा तो मैं और उठाऊंगी और मारूंगी तुम्हें मैं। लो। आ! तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा, मैं यहाँ गेट देखने आया था, इस सुहागरात के टाइम इनका गेट तो नहीं खुला। तुमने मुझसे झूठ बोला, बंद कर दो। मैं सच में बोल रहा हूँ, पड़ोसी वैसे ताक झाक में लगे रहते हैं हमारे, तो गेट खुला हो कहीं देख ले तो। तुम भी ताक झाकी करने लग जाओ फिर। पागल हो गया, मैं क्यों ताक झाकी करूंगा? चुप करो, चले यहाँ से चुपचाप से। तुम तो मैं दिखाती हूँ सब कुछ। बेटा तेरी बहू को खाना बनाना तो आता है ना? मेरी बहू? अरे आपकी बहू है? अरे हाँ खाना बनाना तो आता है ना इसको। अरे खाने की बात करो, मास्टर शेफ है, एक एक चीज आती है इसको। अच्छा हाँ आता है ना वो खाना बनाना? हाँ जी माँ जी आता है। अच्छा ठीक है फिर, देख हमारे घर में है ना मेरे बेटे को ऑमलेट बहुत पसंद है, वो बना दे। चल ऑमलेट अभी बना देती हूँ। हाँ ठीक बना दे, जल्दी बना दे, अभी फटाफट बना दे, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। ठीक है बना, सोच क्या रही है? हाँ हाँ माँ जी बना रही हूँ। हाँ बना। मम्मी मैं 2 मिनट में। हाँ ठीक है बेटा जल्दी आइए। माँ जी अंडा कहाँ है? देख बेटा उसमें रखा होगा। Fuck.
क्या करा तूने? अरे मम्मी क्या है ना कि शादी की सेकंड डे जो होता है ना शादी का, घबराई हुई है ना थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पाई, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्या करना है क्या नहीं। उस अंडा मतलब अंडा गलती से सर पे फूट गया। हे भगवान, जा धोले इसमें जा। चलो चलो आज अब करवा रहा हूँ। पता नहीं कैसे बहू लेकर आया। अरे लाइटर कहाँ है? नहीं बच्ची नहीं, रोते नहीं है। बेटा मत रो, प्लीज मत रो, काम करने दे मुझे। कितना रोए जा रहे, क्या चाहिए तुझे? इरिटेट हो गई हूँ मैं, काम करूँ या तुझे संभालूं? नहीं नहीं नहीं, प्यारे बच्चा है ना मेरा। अरे ले ले ले। अगर काम नहीं करूंगी तो मम्मी जी और पापा जी डांटेंगे, और इसको कौन संभालेगा अगर मेरे को काम करना है तो? एक काम करती हूँ, उनको दे आती हूँ, मेरे अकेले का बच्चा थोड़ी ना है, उनका भी तो है, वो संभालेंगे, मैं काम कर लूंगी। अजी सुनते हो? अरे क्या बताऊं यार तेरे को, तेरे को पता तो है शादी के बाद जिंदगी कैसी हो जाती है। तेरी तो नई नई हुई है, मेरे को तो 1 साल हो गया, एक बच्चा हो गया है। लड़की है लड़की। मैं तो कह रहा हूँ भाई ध्यान से करियो शादी, लड़की देख लियो, मेरी तो चंडाल आ गई चंडाल। थोड़ी देर में बात करता हूँ, आगे आगे। क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ भी नहीं, मैं बैठा हुआ था। कुछ नहीं कर रहे ना, लो इसे संभालो। अरे इसको क्यों देके जा रही हो यहाँ? अरे यार मेरे को काम करना है, काम नहीं करूंगी तो मम्मी पापा डांटेंगे, इसको संभालो, ये मेरे को बहुत परेशान कर रही है, काम नहीं करने दे रही है। अरे भाई मैं नहीं संभाल सकता इसको, ये बहुत परेशान करती है, ना 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 ना, ऊपर से सुसु भी कर देती है ना, इसको ले जाओ प्लीज प्लीज। अरे तुम ही तो इसके पापा, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? अरे एक काम कर, इसको ले जा और इसको सुला दे कहीं पालने वाले में। मैं नहीं कर सकता, मैं थोड़ा, मेरे को मीटिंग में बात करनी है थोड़ी सी। अरे तो तुम सुला के कर लेना ना बात, तुम संभालो, मेरे से नहीं संभलेगी। अरे मेरे से नहीं होगा यार, ले जा इसको। तुम संभाल रहे हो या नहीं? यहाँ मम्मी पापा को बताओ कि तुम मुझे काम नहीं करने दे रहे हो। मैं नहीं संभाल सकता। देख बच्ची, देख तेरा कैसा पापा है, देखो संभाल भी नहीं सकता, अभी से हालत आगे क्या करेगा तेरे साथ। मैं नहीं संभाल सकता, प्लीज ले जाओ यार इसको प्लीज। ठीक है मैं पापा जी को बता रही हूँ। पापा जी, अच्छा ठीक है मैं संभाल रहा हूँ। हाँ मुझे बहुत सारे काम है, इसको संभालो, इसको सुला दो, एक काम करो तुम, ठीक है मैं जाके काम कर लेती हूँ। बेटा पापा है ना, सोचा इसको एक काम करता हूँ, जाके पापा को दिखाता हूँ, संभाल लेंगे। हाँ चलो बेटा चलो, दादा के पास ले चलता हूँ, चलो चलो चलो। बेटे की शादी को पूरा 1 साल हो चुका है आज, और पोती भी होगी हमारी। हाँ। और बेटा सुधर भी गया है हमारा। ये तो सही कह रहे हो आप। तू कब सुधरेगी नालायक? जब तुम सुधर जाओगे तब मैं भी सुधर जाऊंगी, अपने आप को तो देख लो पहले। मैं तो सुधरा हूँ देख रही है, कूलर के बटन तक बंद करके रखता हूँ मैं, पता है मुझे। अरे अरे पापा जी एक काम करोगे? हाँ बोल बेटे, मैं तेरा बापू, एक काम क्या दो करूँगा? मतलब एक ही कर दो। हाँ, बोलो। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ? कि मेरे को ना एक बिजनेस मीटिंग का कॉल आया था। हाँ। तो मेरे को वहाँ ना थोड़ी बात करनी है, तो आप थोड़ा इसको संभाल लोगे? हाँ हाँ मैं ही तो संभालूंगा, मेरी तो पोती है। अरे अरे देखिए अपने दादा को देख के कितनी खुश हो रही है। हाँ, आप इसको देख के खुश हो, मैं थोड़ा आता हूँ। हाँ तू जा। हाँ बेटा तू जा। अरे पोती रोने क्यों लग गई, मुंह टेढ़ा हो रहा है इसका। एक काम कर तू पकड़, तू खिला इसे, मैं थोड़ा काम करूंगा अपना। कैसे दादा हो तुम, मैं ही संभालू बच्चों को। चुप हो जा, शांत हो जा, ये मुझसे नहीं संभल रही, आप ही संभालो इसको तो। अले अले मेरे तो बड़ी चुप हो जाएगी। अले पोती, अले देख स्माइल देख मेरी। अद्दा अद्दा पोती, ये नहीं चुप होगी, तू खिला दे इसे। अरे चुप हो जा, मेरे को ही संभालना है इस घर के सारे बच्चे। ये लो मुझसे नहीं हो रही शांत, तुम ही संभालो इसको। अले अले पोती चुप हो जा,
अले 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 डड्डू की बात मान, डड्डू की अले 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 अले, ये तो चुप नहीं हो रही। एक काम कर, तू ही खिला ले इसे, मैं नहीं खिला रहा। इसको भी संभालो, इसको भी संभालो, और एक उसको भी संभालो, सबको मैं ही संभालू। चुप हो जा, शांत हो जा, ये नहीं हो रही। अले 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 अले, अले। बिलुकता तेरे को बता। अले पोती, एक मिनट तू यहाँ पे सो, मैं तेरी दादी से बात करता हूँ, कुछ इमरजेंसी। सो जा यहाँ पे। क्या बोली तू? तुम क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा था। रहने दो, मुझे सब पता है क्या बोल रहे थे। ठीक है, एक तो ये पगड़ी नहीं उतारी तुमने, एक साल हो गया शादी को लड़के की। तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना, एक और की तैयारी कर लेते, उसकी भी शादी करवा देंगे। अभी तक पगड़ी इसीलिए तो नहीं उतारी मैंने। अब ओए बुड्ढे, पहले इसको तो संभाल ले, दूसरे को तो बाद में संभालना। इसको हम क्यों संभाले, ये तो मेरे बेटे की है ना, मैं नहीं संभाल लेगा। तो तुम्हारी भी तो पोती लगी ना। तो क्या हो गया, चलते ना एक और की तैयारी करते हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। सुधरने का मौका भी तो नहीं दिया तुमने। वैसे ना तुमने बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। मैं ज्यादा बोलने लगी हूँ, तुम बोलने लगी हो। एक पोती नहीं संभाली जा रही तुमसे, मेरे से लड़ने आ जाते हो जब देखो, जब देखो वो फिर से रोने लगे। उठाओ उसको, संभालो। तू ही संभाल ले, मैं नहीं संभाल लेगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों, मेरी अकेली की पोती है, तुम्हारे भी तो पोती लगती है ना। तो क्या हुआ, पोती मेरी लगती है तो संभालो उसको। बचपन से उसे मैं ही संभालता आया हूँ। उसे मैंने संभाले, तुमने कहा संभाले, तुम तो चले जाते थे सुबह, मैं ही संभालती थी। हाँ तो कौन संभालेगा, औरत तू है मैं हूँ। औरत मैं हूँ तो मैंने ठेका ले रखा है सारे बच्चे पालने का। सारे जैसे कि क्रिकेट टीम बसा रखी है तूने, एक बच्चा किया है उसमें भी कर रही है। हाँ तो उसको भी मैंने संभाला, तुमने कौन सा संभाल लिया था। ज्यादा मत बोल, ठीक है ना, तेरा गला दबा दूंगा मैं। और मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। दबा कर दिखा, ये लो।